बिहार में सियासी इंजेक्शन और दवाई की चर्चा खूब होती है। आपने सुना होगा कि कोई होम्योपैथिक दवा करता है तो कोई सीधे ऑपरेशन करने की बात करता है। अब भारतीय जनता पार्टी की दवाई काम करने लगी है। गठबंधन में 7 दल हैं और 7ों दल में आप पता है कि कितने दल सत्ता में हैं और मंत्रिमंडल का हिस्सा बने हैं। इसमें वाम दलों ने अपने आप को महागठबंधन के सरकार में मंत्री पद से दूर रखा है, लेकिन इसके साथ ही कहा यह जा रहा है कि वर्तमान परिस्थिति में भले ही हड़बड़ी में गठबंधन कर लिया गया हो, लेकिन इस गठबंधन में कई गांठें हैं जो कभी भी खुल सकती है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि उसका किसी भी ऐसे जांच से, छापेमारी से कोई लेना देना नहीं है, वहीं भारतीय जनता पार्टी पर लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी CBI, ED और ID जैसे स्वैच्छिक संस्थाओं को प्रभावित करके अपने लिए प्रयोग करती है। इस बात को लेकर के तेजस्वी यादव ने भी खुलासा किया है और उनका समर्थन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने भी किया है। लेकिन अब इन सब बातों से अलग भारतीय जनता पार्टी का जो दवाई है वो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि असर दिखाने लगी है। महागठबंधन की सरकार में कई गांठें हैं, कौन सी गांठ कब खुल जाए कहना मुश्किल है। नीतीश कुमार का महागठबंधन भ्रष्टाचार के 3 खंभों पर खड़ी है। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बात पटना साहिब के सांसद का कहना है और उन्होंने, रविशंकर प्रसाद ने साफ तरीके से एक कार्यक्रम के दौरान ये सारी बातें कही हैं। और लंबे समय तक कहा जाता है कि जिस तरह से सुशील मोदी रविशंकर प्रसाद थे, उसी तरह से रविशंकर प्रसाद भी नीतीश कुमार के पुराने दोस्त हैं और नीतीश कुमार की रणनीतियों को अच्छी तरह से जानते भी हैं। लंबे समय तक नीतीश कुमार अगर बिहार की सत्ता पर हैं तो रविशंकर प्रसाद का भी उसमें बड़ा योगदान रहा है। रविशंकर प्रसाद ने साफ तरीके से कहा है कि भ्रष्टाचार पर के खंभों पर टिकी ये सरकार चलने वाली नहीं है। जो भ्रष्टाचार में सजा पा चुका है उस तरह के पहले कैटेगरी के लोग हैं जिनमें आपको नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। वहीं दूसरी कैटेगरी में वैसे लोग हैं जो भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में आरोपित हैं। और तीसरा जो पिलर है वो ऐसे लोगों का है जो भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देते हैं। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि किस तरह से नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के भ्रष्टाचार वाले बात को लेकर के 2017 में जब नीतीश कुमार अलग हुए थे तो उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़े कर रही थी कि आखिर 2017 में अलग क्यों हुए थे, कौन सी परिस्थिति थी। उसका जवाब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने उसी घेरे में नीतीश कुमार को भी ले लिया है। आपको बता दें कि रविशंकर प्रसाद ने नवगछिया में भाजपा कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में उक्त बातें कही। उन्होंने साफ तरीके से कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्ष 2017 में रेलवे होटल का टेंडर घोटाला, रेलवे की जमीन पर, रेलवे में जमीन पर के बदले नौकरी देने का मामला जैसे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही राजद का साथ छोड़ा था। तेजस्वी राबड़ी इस मामले में चार सीटें हैं और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार अगर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, वो भ्रष्टाचार से अपने आप को अलग करते हैं, तो ये बात अब पुरानी हो गई है। हमारे साथ रह करके हम भ्रष्टाचार से कोसों दूर रहा करते थे, लेकिन उन्हीं भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के साथ नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी बचाने का प्रयास किया है। हालांकि उनकी कुर्सी पर कोई खतरा नहीं था, लेकिन नीतीश कुमार को सपने में जो बातें आती है उसे वो आम जीवन में लागू कर देते हैं। कब वो किसके साथ हैं और कब किसका साथ छोड़ देंगे कहना मुश्किल है। एक बार फिर से नीतीश कुमार उस जगह पर आकर खड़े हैं जहां उन्हें अगर राजनीति में आगे बढ़ना है और जो मिसाल कायम करना है तो ऐसी स्थिति में उन्हें सरकार से बाहर आना पड़ेगा। रविशंकर प्रसाद का दावा है कि कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार की बातें हैं उस पर आज नहीं तो कल एक्शन होना है और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के पास क्या जवाब होगा। साफ तौर पे रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि गठबंधन की कई गांठें हैं जो धीरे धीरे करके खुलनी शुरू हो गई हैं और 2024 में जो ख्वाब देख रहे हैं नीतीश कुमार वो कभी पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि उससे पहले ही गठबंधन तितर बितर हो जाएगा और पूरी तरह से बिखर जाएगा। क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार आंकड़ों और खुलासे के माध्यम से
नीतीश और तेजस्वी की सरकार पर नया नया अध्ययन कर रही है और इसको आम जनता के बीच रख भी रही है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। अरुआ बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।